एमएनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुलमोहर रिसोर्ट में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा, विष बाधा होने से महिला की मौत, फांसी लगा कर की आत्महत्या। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोंडाली पुलिस ने मसाला क्षेत्र में स्थित गुलमोहर रिसोर्ट पर गुरुवार की शाम 6 बजे छापा मारकर जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया तथा आरोपियों से 20,200 रुपए नगद और 3 मोबाइल फोन, कीमत 28,000, ऐसा कुल 48,200 रुपए का माल जब्त किया। प्राप्त जानकारी अनुसार नागपुर अमरावती महामार्ग पर कोंडाली से 5 किमी दूर मसाड़ा क्षेत्र के गुलमोहर रिसोर्ट में बड़ा जुआ खेले जाने की गुप्त जानकारी कोंडाली पुलिस को मिली। गुप्त जानकारी के आधार पर कोंडाली पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रभु ठाकरे के नेतृत्व में बाबूलाल राठौर, दरसिंह राठौर, रणजीत जाधव, प्रशांत काले, कनीब जाधव, गजानन तित्रे, दशरथ पवार, इमरान सैयद आदि ने रिसोर्ट पर शाम 6 बजे छापा मारा। कार्रवाई के समय राहुल शिवचरण नायक, संदीप मुन्नालाल गौर, रवि राजेंद्र गौर, मनीष इंदल गौर, शैलेश रामदास खोबरागड़े, सभी छोटी खदान हंसापुरी नागपुर निवासी जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20,200 रुपए नगद तथा 3 मोबाइल फोन, जिसकी कीमत 28,000 रुपए, ऐसा कुल 48,200 रुपए का माल तथा 52 ताश पत्ते जब्त किए। दूसरी खबर, रसोई घर में काम करते समय किसी जहरीले प्राणी के काटने से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना नांद में मंगलवार को घटी। अर्चना विनोद हुल के नांद निवासी मृत महिला का नाम बताया जा रहा है। घटना के दिन सुबह 8:30 पर अर्चना अपने घर के रसोई घर में काम कर रही थी। वह मिर्ची का डिब्बा निकाल रही थी तो अलमारी में से किसी जहरीले प्राणी या जंतु ने उसे डस लिया, जिससे उसको विष बाधा हुई। उसे तुरंत उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नांद में ले जाया गया। उसके बाद उसे ग्रामीण अस्पताल उमरेड ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फरियादी की शिकायत पर उमरेड पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तीसरी खबर, खापा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मतांगा शिवार वागुरी में बुधवार को एक खेत में पेड़ से फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। मृत युवक का नाम भोला मोतीराम भिंगारे वागुरी निवासी बताया जा रहा है। इस मामले में फरियादी बंडू नीलकंठ भिंगारे की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।